दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉगर केपी सिंह। ब्लॉगर केपी सिंह की आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधोपुर से। और दोस्तों आज दशहरा का दिन है और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये दशहरा मैदान है सवाई माधोपुर का। और इस बार किसी तरह का कोई यहाँ पर रावण दहन नहीं है, क्योंकि यूँ कह रहे हैं कि अधिक भीड़ होने के कारण या कोरोना की बीमारी होने के कारण यहाँ पर दशहरा नहीं मनाया जाएगा। अभी जब मैं इस दशहरा मैदान का अवलोकन कर रहा था, जब देख रहा था चारों तरफ से, तो मैंने देखा एक छोटा सा मासूम सा बच्चा है और वो यहाँ पर दशहरा देखना आया। जब मैंने उनसे पूछा कि बेटा क्या देखना है, कि दशहरा देखना है, तो मैं बात कराता हूँ, पहले तो उनका नाम जानेंगे। बेटा आपका नाम क्या है? राघव। कहाँ से हो? सवाई माधोपुर। आप यहाँ कैसे आए? यहाँ पर दशहरा दशहरा देखने। तो आपको दशहरे के यहाँ पर कुछ भी इस तरह का लग नहीं रहा कि यहाँ दशहरा मेला है, है ना? तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बुरा। बुरा क्यों लग रहा है आपको? बुरा तो बुरा क्यों लग रहा है? दशहरा में नहीं लगा, दशहरा मैदान नहीं लगा, यहाँ पर रावण का दहन नहीं है, है ना? और यहाँ भीड़ भाड़ भी नहीं है, इसलिए। तो आप ये बताओ कि आप पूरी तरह से घर से जब निकले थे, तो आपको क्या लग रहा था कि वहाँ जाके क्या क्या देखोगे आप? रावण देखूंगा, बहुत मजा आएगा। छोटा सा मासूम सा बच्चा और दशहरा देखने आया था, मगर यहाँ उसको निराशा हुई और निराश ही लौट रहा है वो। तो सोचने वाली बात है कि हम लोग और भी इस तरह के बच्चे होंगे। हम खुशी का माहौल, जब इस तरह के त्यौहार होते हैं तो वो खुशी बनाने आते हैं, और काफ़ी बच्चे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। और ये सुनसान है, लोग बाग बाहर से देख देख के जा रहे हैं, मगर बात नहीं कर पा रहे थे। मगर इस बच्चे ने हिम्मत की मुझसे बात करने की कि आप तो ब्लॉगर केपी सिंह हो। तो मैंने कहा हाँ। तो इस बच्चे को मैंने इस वीडियो में इसलिए लिया कि एक बच्चा जो पूरी तरह से यहाँ इसके लिए उत्साह से आया था पूरे घर से, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए पूरी तरह से यहाँ ये सुनसान है। तो दोस्तों यहाँ पर तो दशहरा है नहीं यहाँ पर, और हमारे यहाँ ओल्ड सिटी है शहर सवाई माधोपुर, वहाँ पर दशहरा दहन होने की बात की गई है। तो वहाँ चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं आपको। और वहाँ भी इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर रामलीला होती है। तो हम लोग वहाँ चलते हैं और वहाँ का दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप ये सामने देख पा रहे हैं, ये दशहरा मैदान है, और दशहरा मैदान के यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत दुकानें लगा करती थी, मगर अभी कोई दुकानें नहीं है, सुनसान है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो लोग यहाँ मटकियों की दुकान लगा रखी है, मटकी वगैरह, और लोगों का रोज़गार भी नहीं है इस बार, क्योंकि अगर यहाँ दशहरा भरता तो काफ़ी यहाँ पर रोज़गार होते, काफ़ी दुकानें लगती, लोग वाग ये कहेंगे उनकी आमदनी होती, मगर यहाँ दशहरा नहीं होने के कारण किसी प्रकार कोई आमदनी। तो अपना नाम बताइए। नरेंद्र बेरवा है सर मेरा नाम। और ये आपका दशहरा देखना है? जी मैं घूमने आया था इधर हाउसिंग बोर्ड रोड पे, तो सोचा मैंने देखते हैं कि दशहरा मैदान में क्या चल रहा है। तो यहाँ तो अभी इस वक्त तो पिछली बार तो इतना मेला भरता था कि यहाँ पे यहाँ से लेके वहाँ तक दुकानें दुकानें हुआ करती थी। बिल्कुल। लेकिन अभी यहाँ बेचारे कुछ लोग हैं जो मटकियाँ बेच रहे हैं, ना तो कोई भीड़ है, ना कोई दशहरा की कोई रौनक है, बिल्कुल ख़त्म हो गया कोविड की वजह से। कोविड की वजह से जी यहाँ पर ये कहेंगे कि काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी जी, मगर इस बार कुछ भी नहीं है, जब से ये कोरोना लगा है तो कोई दशहरा नहीं है। कोविड की वजह से रोज़गार भी ख़त्म है, और यहाँ जो मेले में जो बेचारे बाहर के लोग आते थे, वो पशु पालन भी मान लो, मटकी भी मान लो, कृषि से संबंधित मान लो, खिलौनों से संबंधित मान लो, किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है बेचारे को। हाँ यानी कि काफ़ी दुख की बात है। दुख की बात है, ये तो कोविड की वजह से यहाँ के लोगों को बहुत ही निराशा हाथ लगी है। चलो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये कहेंगे कि अगले साल ये कोविड बिल्कुल खत्म हो जाए और लोगों को रोजगार मिले। और पब्लिक तो यही चाहती है कि कोविड बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म हो और सबको अपना अपना रोजगार मिले, व्यवसाय मिले, ताकि वो अपने आर्थिक स्थिति वो सुदृढ़ हो सके उन लोगों की। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये मटकी बेचने वाले, मटकी तो लेके आए क्योंकि एक आशा में लेके आए कि लोग बाग आ रहे हैं फिर भी, क्योंकि जिन लोगों को खरीदनी होती थी वो खरीद पा रहे हैं। और देखिए तवे भी हैं, मट्टी के तवे बने हुए हैं, आप देख पा रहे हैं ये देखिए, क्योंकि आशा तो बनी हुई है लोगों को रोजगार की, आ ही रहे हैं। मैं भी देख पा रहा हूँ यहाँ पर दशहरा नहीं मनाया जा रहा है, मगर लोग वहाँ खरीदारी करने जरूर आ रहे हैं। कुछ लोग जिनको मालूम है या कुछ चीज़ें खरीदनी है, क्योंकि यहाँ पर यूँ कहते हैं कि जब मेले में दुकानें लगती है तो वो सस्ती चीज़ें देते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सिटी शहर में लेकर चलता हूँ, तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ रावण, और यहाँ पर रावण दहन होगा, क्योंकि सवाई माधोपुर में जो मुख्य बाजार है वहाँ पर रावण दहन नहीं हो रहा है, और यहाँ पर रावण दहन होगा। रावण दहन कैसा होगा ये हम आपको दिखाएंगे, और आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे। दोस्तों आप ये सामने देख पा रहे हैं रावण का पुतला है, और साथ में कोई भी पुतला नहीं लगाया गया है। आप सामने देख पा रहे हैं रावण का पुतला है, और ये दहन होगा। इसका समय अभी बताया नहीं गया है, मगर जब तक हम लोग आपको ये रावण दहन नहीं होता, जब तक यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ मैं आपको,
ये आप देख पा रहे हैं सजावट बहुत ही अच्छी की गई है। और इस सजावट के साथ ही यह आप ये देख पा रहे हैं यहाँ लाइट जल रही है, यहाँ पर डेली रामलीला होती थी और इसी कारण यहाँ पर जो ये रावण दहन है वो यहीं होगा। दोस्तों आप ये सामने देख पा रहे हैं ये रामलीला मंडल समिति है और यहाँ पर पूरी तरह से रामलीला होती थी डेली यहाँ पर। और आज के दिन हम लोग यहाँ आए हुए हैं और आप देख पा रहे हैं सामने पर्दा लगा हुआ है, रामलीला मैदान बोलते हैं इसको, सीटी शेर सवाई माधोपुर का। मेरा नाम रुपेश शर्मा है, ये रामलीला मैदान है ओल्ड सिटी, यहाँ पर डेली रामलीला होती है, हम देखने आते हैं। सारे आठ बजे भगवान